सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेना फ्री फायर से रिलेटेड काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। जैसे गाइस आज की वीडियो आप लोग को बताऊंगा 100% कंफर्म अपडेट के साथ आप लोग के नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। साथ ही गाइस आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हालो फिलिट्स का इवेंट कब से स्टार्ट होने वाला है, तो गाइस आज की वीडियो हम लोग को डेट कंफर्म करूंगा एंड ये भी बताऊंगा किस तरीके का इवेंट होने वाला है, कितने सारे आप लोग के डायमंड लग जाएंगे। इसके अलावा गाइस हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के साथ ही इमोट पार्टी इवेंट के बारे में, कौन सा इमोट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कब तक हमारे इंडिया सफर इमोट पार्टी इवेंट दिया जाएगा और हमारे इंडिया सफर आने वाले विंटर स्पेशल लक रोल के बारे में बता देना। इसी तरह और भी काफी सारे नई अपडेट्स लेके आओ आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना और हमें एक तरह यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग लिए हमेशा इसी तरह ग्रेना फ्री फायर के एक छोटी छोटी अपडेट वीडियो सबसे पहले लेकर आता रहता हूं। सो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देर के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करेंगे सबसे पहले आप लोग की टू नाइट अपडेट के, जो कि आप लोग के हालो एलिट्स इवेंट के लिए होने वाले। गाइस आप लोगों में से बहुत सारे बंदे एक्साइटेड हैं हमारे हालो एलिट्स इवेंट के लिए एंड गाइस आप लोग भी सीजन 1 एंड सीजन 2 बंडल निकालना चाहते हैं एंड जानना चाहते हो कि कौन सा इवेंट होगा जिसमें आप लोगों को एलिट पास के बंडल रिटर्न दिए जाएंगे, कितने सारे डायमंड लग जाएंगे, कब तक देखने को मिलेगा। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, आप लोग यहां पर देख सकते हो आप लोग का जो हालो एलिट्स का इवेंट है गाइस 21/12/2022 को 4 बजे देखने को मिलेगा, यानी गाइस कल सुबह 4 बजे देखने को मिलेगा एंड गाइस ये जो इवेंट है लगभग 31/12/2022 तक चलने वाला है, यानी गाइस एंड ऑफ द ईयर तक आप लोग को ये इवेंट देखने को मिलेगा। अब ये इवेंट किस टाइप का होने वाला है उसके बारे में बात करने में पहले आप लोग एक और छोटी सी यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है। 23 तारीख को 9 बजे आप लोग को हमारा एक न्यू मिशन देखने को मिलने वाला है, जो कि डैमेज का मिशन होगा, जिससे कि आप लोग को साइथो की स्किन बिल्कुल फ्री में क्लेम करने को मिलेगी और इसके बारे में आप लोग कलर देख कर पता लगेगा होगा। बाकी गज यहाँ पे एक पोस्ट भी निकल कर आई थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गन्ना फ्री फायर की तरफ से ऑफिशियली ये पोस्ट की गई थी, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आप लोग वीडियो पोज करके पढ़ भी सकते हो, तो इससे कंफर्म हो जाता है कल आप लोग हमारे इंडिया सफर सुबह 4 बजे हालो एलिट्स का इवेंट देखने को मिलेगा। बाकी बात रही किस टाइप का ये इवेंट होने वाला, कितने सारे आप लोग के डायमंड लग जाएंगे, तो अगर आप लोग जानते हो सुबह 4 बजे आप लोग को कुछ इवेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई लक रोल हो गया, अगर आप लोग का फेडरल विल इवेंट हो गया, तो काफी ज्यादा चांसेस है आप लोग हमारे इंडिया सफर कल सुबह 4 बजे हालो एलिट्स का रोल देखने को मिले, जिसमें आप लोग को काफी सारे एलिट पास के बंडल रिटर्न में नजर आ सकते हैं। रही बात कितने सारे डायमंड आप लोग लग जाएंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं एक बार पहले हमारे एलिट पास के बंडल इसी टाइप के रॉयल में रिटर्न में देखने को मिले थे, जिसमें एक स्पिन 2500 डायमंड का हो रहा था। अब ये तो 3 साल पहले की बात थी, बट अब आप लोग सोच ही सकते हो 3 साल बाद आप लोग कितने डायमंड का एक स्पिन देखने को मिलेगा। मतलब यार कहने का यही है कि भाई आप लोग के बहुत सारे डायमंड लगने वाले हैं, थोड़े बहुत डायमंड में तो आप लोग की पार पड़ेगी नहीं। तो गाइस आप लोग भी हालो एलिट्स इवेंट के लिए स्पिन करने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, क्योंकि भाई मैं तो नहीं करने वाला, मेरे पास तो डायमंड भी नहीं है। चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि यार आप लोग के विंटर स्पेशल लक रोल के लिए निकल कर आ रही है। गाइस आप लोग के लिए एक न्यू स्पेशल लक रोल निकल कर आ चुका, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो एंड गाइस इस लक रोल में आप लोग हमारे पिछली बार न्यू एज इवेंट के काफी सारे रिवार्ड्स रिटर्न देखने को मिलते हैं। 2 मेल के बंडल डाले गए, जिनमें से एक मेल का बंडल गाइस शायद से आप लोग को पिछली बार के विंटर लैंड इवेंट में या पहले के विंटर लैंड इवेंट में फ्री में देखने को मिल चुका है, लेकिन गाइस यहां पे जो आप लोग को दूसरा मेल का बंडल देखने को मिल रहा है ये पिछली बार आप लोग को न्यू एज इवेंट में फेडरल इवेंट में दिया गया था। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग को इंडिया सफर कुछ इस टाइप के लक रोल में फिर से रिटर्न देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पे आप लोग को न्यू एज इवेंट के काफी सारे रिवार्ड्स भी रिटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे भाई ग्लोरी स्किन हो गई, कटाना की स्किन हो गई या बैकपैक की स्किन हो गई, और भी काफी सारे रिवार्ड्स है जो कि आप लोग के न्यू एज इवेंट के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है गाइस आप लोग को इसी टाइप के रॉयल में हमारी फेस्ट स्किन भी रिटर्न देखने को मिल जाए, लेकिन इतना जरूर से कंफर्म है कि भाई आप लोग को न्यू एज इवेंट के काफी सारे रिवार्ड्स फिर से रिटर्न में दिए जाएंगे। अब वो आप लोग को इस टाइप के लक रोल में नजर आ सकता है या गाइस किसी और टाइप का आप लोग को इवेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन गाइस यहाँ पे ये लक रोल निकल कर आ रहा था सो मैंने आप लोग को बता दिया। अभी गाइस वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग की नेक्स्ट अपडेट के, जो कि आप लोग के मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट के लिए निकल कर आ रही है। आप लोग को मैंने बोला था कि हमारे इंडिया सफर आप लोग को फिर से हमारे पिछली बार न्यू एज इवेंट के मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट रिटर्न देखने को मिल सकता है एंड गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एक सर्वर मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट रिटर्न में आ भी चुका है, जिसमें गाइस आप लोग को वही 2 मेल एंड फीमेल के बंडल देखने को मिलते, जो कि पिछली बार आप लोग हमारे न्यू एज इवेंट के टाइम मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट देखने को मिले थे, तो काफी ज्यादा ओपी ओपी बंडल्स है एंड गाइस अगर आप लोग पिछली बार नहीं ले पाए थे तो भाई इस बार आप लोग इस वाले मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट से ले सकते हो, क्योंकि यार देखो बाहर के अलग अलग सर्वर पर मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट आना स्टार्ट हो चुका है, किसी पर पुरानी मिस्ट्रीज ऑफ रिटर्न देखने को मिले, किसी पर नई मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट देखने को मिले, तो काफी ज्यादा चांसेस है आप लोग हमारे इंडिया सफर भी कोई ना कोई एक मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट देखने को मिलेगी। अब वो गाइस ये वाली भी हो सकती है गाइस और आप लोग कोई नई भी देखने को मिल सकती है। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं आप में से बहुत सारे बंदे लॉलीवुड के रिटर्न में आने का वेट कर रहे होंगे, तो गाइस मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारे सर पर या तो भाई डिस्काउंट इवेंट में लॉलीवुड दिया जाता है या गाइस हाइड आउट सेक्शन में लॉलीवुड देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है गाइस आप लोग को हाइड आउट में देखने को मिल जाए अगर कुछ इस टाइप के मिस्ट्रीज ऑफ इवेंट या किसी और डिस्काउंट इवेंट में देखने को मिल जाए। बाकी जैसे मेरे पास कोई भी कंफर्म अपडेट आता है आप लोग के लॉलीवुड को लेकर, तो मैं आप लोग को आने वाले वीडियोज में जरूर से बता दूंगा। अभी गाइस हम लोग बात करने वाले आप लोग इमोट पार्टी इवेंट के साथ ही 100% कंफर्म आप लोग के नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज यार वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह ग्रेना फ्री फायर की छोटी छोटी अपडेट वीडियोस मिलती रहेगी, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। सो गाइस अभी वीडियो आगे बढ़ने बात करें आप लोग के इमोट पार्टी इवेंट के बारे में, तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का आप लोग लिए इमोट पार्टी इवेंट निकल कर आ रहा है, जिसमें गाइस
आप लोग को हमारे न्यू विंटरलैंड इवेंट का इमोट देखने को मिल जाता है भाई, इसके किसके ऊपर बिठा दिया गया पता नहीं, बट काफी फनी टाइप का इमोट होने वाला है। एंड इसी के साथ में आप लोगों को चार पुराने इमोट देखने को मिलेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, बट गाइस ये आप लोगों को एक नया इमोट इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिलेगा। रही बात गाइस कब तक हमारा इंडियन सब पर इमोट पार्टी इवेंट नजर आने वाला, तो आप लोगों को बता दूं इस इमोट पार्टी इवेंट की अभी कोई भी कंफर्म डेट निकल कर नहीं आ रही है, मतलब गाइस अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि भाई किस तारीख को हमारे इंडियन सब पर इमोट पार्टी इवेंट दिया जाएगा, पर गाइस मैं आप लोगों को पॉसिबल डेट जरूर से बता सकता हूं। यहां पे लिंक्स निकल कर आ रही है कि भाई 29 दिसंबर को आप लोगों को हमारे इंडियन सब पर इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिल सकता है। सो अगर आप लोगों को गाइस इनमें से कोई इमोट निकालना है तो गाइस आप लोग हमारे इंडियन सब पर इमोट पार्टी इवेंट के आने का वेट कर सकते हो। बाकी फिर भी मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं कर रहा कि भाई बाकी के चार इमोट कौन से होने वाले, यहां पे कुछ भी डाल दिया गया लेकिन मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं करूंगा भाई रोज इमोट देखने को मिलेगा या मिलेगा वो मिलेगा। कोई भी चार पुराने इमोट आप लोगों को हमारे इमोट पार्टी इवेंट में देखने को मिलेंगे, एक आप लोग का नया इमोट होगा जो कि मैंने आप लोग यहां पे दिखा दिया है। अभी गाइस हम लोग बात करेंगे आप लोग के नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, कौन से नए इनक्यूबेटर के बंडल या गन स्किन आप लोगों को इंडिया सब पर नजर आने वाला, तो मैं आप लोगों को बता दूं एक टाइम हुआ करता था जब आप लोगों को हमारे इंडिया सब पर इनक्यूबेटर में भाई बहुत सारे ओपी ओपी से बंडल देखने को मिलते थे, लगभग 5-6 बंडल तो आप लोगों को दिए जाते थे। लेकिन गाइस आप लोगों को पता है कि भाई हमारे जो विंग्स वाले इनक्यूबेटर के बंडल आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, ये भाई काफी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी तक हमारे इंडिया सब पर करने वाले देना नहीं चाहते। और पिछले दो इनक्यूबेटर से तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले आप लोग ये टेरर वाले बंडल वेबिन के इनक्यूबेटर में दे दिए गए जो कि भाई कोई भी सेंस नहीं बनता था देने का। फिर इसके बाद गाइस आप लोग हमारे डायमंड वाले के दो मेल एंड फीमेल के बंडल फिर से इनक्यूबेटर में चिपका दिए, और भाई फीमेल का बंडल तो कुछ सर पर गोल्ड रॉयल में देखने को मिला था। इसके बाद में गाइस आप लोगों को पता है हमारे इंडिया सब पर फिर से दो नए इनक्यूबेटर के बंडल आने वाले हैं। जी हां गाइस बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैंने दो ही बोला, सिर्फ दो ही इनक्यूबेटर के बंडल आप लोगों को हमारे इंडिया सब पर नेक्स्ट इनक्यूबेटर में दे जाएगा जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। ये है आप लोग के हेलोवीन के बंडल जो कि भाई हमारे इंडिया सब पर देखने को इवेंट तो नहीं मिला लेकिन गाइस बंडल जरूर से आप लोग को अब इनक्यूबेटर में दिए जा रहे हैं, तो ये आप लोग के नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बंडल होने वाला है। एंड एक आप लोग को यहां पर मेल कर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया ही है, इस बार तो शायद आप लोग को ज्यादा प्लेप्रिंट यहां पर देने पड़ेंगे। और फीमेल का बंडल भी गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, दोनों बंडल मैं आप लोग को एक एक करके दिखा रहा हूं, ये दोनों बंडल आप लोग के हेलोवीन इवेंट के। एंड अगर आप लोग बांग्लादेश से तो गाइस आप लोग को पता ही होगा बांग्लादेश पर ये दोनों बंडल ऑलरेडी लक रॉयल में आ चुके हैं, लेकिन गाइस हमारे इंडिया सब पर भाई अलग ही सीन चल रहा है, गन्ने वाले फिर से आप लोग को दो इनक्यूबेटर में बंडल ये वाले चिपकाने वाले। और देखो यार बंडल्स काफी ज्यादा ओपी रखे गए, देखना ये है कि क्या सच में आप लोग को एक ही ब्लूप्रिंट में दोनों बंडल देखने को मिलते हैं, अगर आप लोग को ज्यादा ब्लूप्रिंट देने पड़ेंगे, लेकिन 100% कंफर्म हो चुका है कि आप लोग के दोनों बंडल देखने को मिलेंगे। बाकी रही बात इन दोनों बंडल के बाद आप लोग हमारे इंडिया सब पर कौन से नए इनक्यूबेटर के बंडल नजर आने वाले, तो मैं आप लोग को बता दूं आप गाइस बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि भाई आप लोग को विंग्स वाले इनक्यूबेटर के बंडल हमारे इंडिया सब पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई गन्ने वाले शायद आप लोग को वो किसी वेब इवेंट में या लक रॉयल में देंगे। बट हां गाइस जो आप लोग के विंग्स वाली वेक्टर की गन स्किन है आप लोग को हमारे इनक्यूबेटर में इन बंडल्स के बाद नजर आ सकती है, कंफर्म आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि भाई गरेना कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता आप लोग को बंडल दे दे गन स्किन ना दे और गाइस गन स्किन दे दे बंडल ना दे, फिर भी गाइस काफी ज्यादा चांसेस है आप लोग को इन दोनों इनक्यूबेटर बंडल के बाद हमारे इंडिया सुपर वेक्टर का इनक्यूबेटर देखने को मिल जाए जो कि मैं आप लोग को यहां पे ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो बस गाइस आप लोग के इनक्यूबेटर बंडल्स को लेकर यही सारी नई अपडेट्स निकल कर आ रही है जो मैं आपको बता दिया, होप करता हूं आप लोग वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज़ एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless!